गाड़ी का नौकर। प्लीज फोन उठा लो, कह दो कि तुमने गीता को पिकअप कर लिया, यहां पहुंच रही हो। प्लीज पिकअप। सही, कहाँ हो तुम? से प्लीज फोन उठा लो, पिक अप। तुम बाकी? आई एम सॉरी विराट, वो बड़ी मामी ने मुझे फोन करके बताया कि सही ने जिस औरत को चुना था वो अभी तक आई नहीं। काकू, लेकिन पत्र लिखा आई है। पर सही ने इसे इतना भला बुरा कहा, इतनी बदतमीजी की इसके साथ, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे एक फोन पर भागी आई। अरे भूल जाओ उस गीता को, अब चव्हाण खानदान का चिराग पत्रलेखा की कोख में ही पलेगा। बड़ी मामी, सही इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। उसने कितनी बार साफ साफ कहा है कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख ना दूं। सई की कही बात कोई भगवान का फैसला है क्या जो बदला नहीं जा सकता? सई ने तो ये भी कहा था ना कि वो गीता को ढूंढ कर लेकर आएगी। कहाँ है गीता, कहाँ है सई? विराट, हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, और अब तो वो विराट के फोन का जवाब भी नहीं दे रही है। काकू, सई का फोन नहीं लग रहा है। मुझे इस बात का ज्यादा टेंशन हो रहा है कि वो कहीं मुसीबत में ना फंसे हो। अरे वो खुद एक मुसीबत है, मैं जानती हूँ। उसने फोन स्विच ऑफ क्यों किया है? उसे वो गीता मिली नहीं होगी तो उसने अपना फोन बंद कर दिया। तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें। नहीं सही, ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। काकू अब आप प्लीज एक मिनट, मैम उसे एक मिनट। कदम जी सर, एक नंबर भेज रहा हूं मैं, अभी मैसेज कर रहा हूं। उसका लास्ट लोकेशन मुझे भेजो, अर्जेंट है अभी। जी सर, नंबर भेजा है, चेक करो। सर ये नंबर सही मैम का है? हाँ हाँ सही का नंबर है ये। सर मैं अभी लोकेशन पता करके आपको भेजता हूँ। ठीक है, पता करो। विराट एक बार तू डॉक्टर रागिनी से बात तो करके देख। अरे निकाकू, अरे हमारे पास जरा भी वक्त नहीं है। अब तो इतना मत सोच, कम से कम उससे बात तो करनी चाहिए। काकू लेकिन एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर रागिनी ने आपको अंदर बुलाया है।
मेरा पर्स, मेरा फोन सब चोरी हो गया। पता नहीं कितनी देर से यहां पड़े हो। जी डॉक्टर जी, पच्चीस मिनट बाकी सिर्फ, कदम तू तो उठा फोन, कदम अरे कदम कदम, सही का कुछ पता चला? लोकेशन कहाँ है? सर हमें मैम के फोन का लोकेशन पता चल गया, हम वही जा रहे हैं। जैसे कुछ पता चले सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? यस सर। हाँ बप्पा, अगर सही किसी मुसीबत में हो प्लीज उसकी रक्षा करना। हॉस्पिटल क्यों नहीं है? मुझे उसके घर जाना होगा। विराट, मैं तुम्हारी हालत समझती हूं, लेकिन मुझे टेंशन होती है कि सही कैसा बर्ताव करेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं उसके बच्चे को कोख देने वाली हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन मुझे तुम्हारे और बड़ी मामे के सपने को लेकर होती है। मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाकर तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती हूँ विराट। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा सपना कभी पूरा हो सकता है, क्योंकि अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसे आखिरी वक्त पर वो किसी और पेशेंट के साथ भी ये प्रक्रिया नहीं करेंगे। तुम हार क्यों मान रहे हो विराट? जो इंसान दूसरों की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, आज बात जब उसकी खुद की खुशी की आई, उसके खुद के सपने की आई, तो तुमने अपनी हथियार डाल दी। विराट सब ठीक हो जाएगा, तुम उम्मीद मत छोड़ो। तुम अपने बच्चे को गोद में लेना चाहते हो ना, और सिर्फ इसलिए कि एक अनजान औरत ने तुम्हें धोखा दे दिया, तो तुम अपने सपने को मरने दोगे? और तुम अपने सपने को हमेशा के लिए मरने दोगे? क्या कर सकता हूं लेकिन मैं सही का कोई पता नहीं चल रहा, उसका फोन लग नहीं रहा है। मैं उसे कुछ बताना चाहूं, उसके साथ बात करना चाहूं, तो कैसे करूं? मैं बहुत पहले सही को ढूंढने जा चुका होता, लेकिन सही ने मुझसे कहा था कि विराट यहीं रुकना, गीता आएगी उसके साथ वो प्रक्रिया शुरू कर देना, लेकिन मैं तो इंतजार ही करता रह गया। मैं गीता नहीं आएगी, अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती।